धर्म की जय श्री राम कृष्ण भगवान की जय श्री शंकर भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री शंकर भगवान की जय जगदम्बे मैया की जय सदगुरु टेऊ राम महाराज की जय सदगुरु सर्वानंद महाराज की जय सदगुरु शांति प्रकाश महाराज की जय सदगुरु हरिदास राम महाराज की जय सर्व संतन की जय प्रेम प्रकाश मंडल की जय अमरापुर दरबार की जय नशोकमानं गतरागद्वेषं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवंद्यं अध्यात्मलीनं विरविरतकामं श्रीदेवं रामं शरणं प्रपद्ये सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासकम् मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री राम जय राम जय अमृत बरसे
पीवो भर कर प्याला रे अमृत वे उजाला रे राम नाम में
साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी गफलत में न गवाइये मानुष देह महान। अमृतमय वाणी आचार्य सदगुरु स्वामी टेंगुराम जी महाराज जी की प्रेम प्रकाश ग्रंथ अद्भुत उपदेश देते हैं कि इस शरीर को जिसे महान बताया गया नर समान नहीं कम नव देही जीव चराचर जाचत जेही। उसे व्यर्थ न गवाओ, व्यर्थ गवाना है व्यर्थ चिंतन, सफल बनाना है ईश्वर का चिंतन। दोनों दिशाएं अलग हैं। एक व्यर्थ चिंतन की दिशा जिसे सिंधी में अजाई पचर कहते हैं, व्यर्थ चिंतन करते करते मन के अंदर अशांति उत्पन्न होगी, और ईश्वरीय गुरु का चिंतन, उनके नाम का सुमरण, उनकी वाणी का अंतर में बैठ के अभ्यास करेंगे तो मन के अंदर शांति उत्पन्न होगी। जो सामान बाहर से लेकर अपने हृदय में रखेंगे उसी सामान के द्वारा फल की प्राप्ति होगी। दुनिया की बातें, इधर उधर की बातें कहने सुनने की वो मन में रखेंगे तो संसार दुखालयम अशाश्वतम। गीता में भगवान कहते हैं कि वो दुखों का घर है। दुखों को घर को अपने हृदय में बिठाओगे तो दुख उत्पन्न होंगे, और सुखों के घर को अपने हृदय में बिठाओगे तो परम आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। तो आज चौथ का परम पावन दिवस है, सिंधी तारीख की चौथी, गुरु महाराज जी के अवतार का दिन, और सिंधी तारीख चौथी गुरु महाराज जी के ब्रह्मलीन होने का दिन। तारीख दोनों चौथी थी इसलिए चौथ मनाई जाती है। उन महापुरुषों को याद करें। अगर शांति आनंद चाहिए तो हृदय में दूसरा कोई भी चिंतन न चले, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का मन में सुमरण होता रहे। पूजनीय स्वामी गुरुदास महाराज जी ने अपनी अमृतमय वाणी में गुरु महाराज जी की महिमा गाई है। अठई पैरव की राय अंदर में तन में तलब तमाम अदा, तन में तलब तमाम अदा। अठई पहर उपीर अंदर में तन में तलब तमाम अदा, तन में तलब तमाम अदा। डड़ी नाहे फिटी पयो आराम अदा, राजानी हाल डड़ी नाहे फिटी पयो आराम अदा, रात्योनी हाल डड़ी नाहे फिटी पयो निवास करे निर्वेरी
देव का सर्व सुखों की खान, तो उनकी स्मृति तुझी स्मृति अमृत आए मोल दिलन के छजे जाए। तो मन का काम है कुछ न कुछ सोचना, चिंतन करना, संकल्प करते रहना, भली करे लेकिन ईश्वर गुरु के संकल्प मन के अंदर चले, सद प्रवृत्ति मन के अंदर चले तो आनंद और सुख की सृष्टि हमारे हृदय में होगी। मन को रोक नहीं सकते क्योंकि मन को चंचल कहा गया, जो चलने वाला वो चंचल, तो सही जगह पे चले, सही दिशा पे चले, ये ध्यान रखना हमारा काम है। उस मन को ईश्वर गुरु के चरणों में लगाए, स्मृति करनी है अगर बातें याद करनी है तो उनकी याद करें, कथाएं याद करनी है तो उनकी याद करें, महिमा गानी है तो उनकी महिमा गाएं, उनकी परम दयालुता को अपने हृदय में बार बार चिंतन करें कि अनंत कृपा अनंत दया के वो सागर हैं। उनको याद करेंगे, उनकी स्मृति मन के अंदर आएगी तो मन के अंदर अनंत शांति की उत्पत्ति होगी। हियत लड़ी आहे उदास रे दर्शन जी, दिल में प्यास रे गुरुदेव गुरुदेव। हियत लड़ी आहे उदास रे दर्शन जी, दिल में प्यास रे गुरुदेव
दे दिलड़िया उदास रे दर्शन जी दिल में प्यास रे उदास रे दर्शन जी दिल में प्यास रे गुरुदेव जय
जय गुरुदेव। रग रग महंगी दुख समारे, प्रीतम पल पल तोखे पुकारे। लगा रहे मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। एक लक्ष्य मन के अंदर हो, गुरुदेव की मूर्ति का चिंतन, गुरुदेव के नाम का सुमरण, वही अगर हमारे जीवन में ये बातें उतर जाए तो लोक परलोक हमारा सुहेला होगा। प्रार्थना करें। तुम्हें सतगुर तुम पित माता, तुम्हें हरि हर तुम्हें विधाता। तुम्हें सतगुर तुम पित माता, तुम्हें हरि हर तुम्हें विधाता। भव भिखारी तुम हो दाता, भव भिखारी तुम हो दाता। बार बार शरण में बैठ करे अरदास, कहते ऊंच सदास की पूरन करिए आस। दुख सर वही दूर हो लगे नयम की त्रास। काल जब वनरास संशय कोई ना रहे, बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाशो, प्राणियों विश्व का कल्याण हो, प्रेम का प्रकाश हो। हर हर गंगे हर हर